नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आज डाउनलोड करें। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करें, ओनली वन क्लिक में, वन रुपीज में पूरे 5 मिनट। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मकर लगन मकर राशि के जातकों के लिए आपका जुलाई 2023 कैसा रहेगा। जुलाई 2023 में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, विवाह शादी का संयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन सब बातों पर चर्चा। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मकर लगन मकर राशि के जातक, राशि स्वामी शनि देव हैं आपके। शनि महाराज आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, यानी कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए काफ़ी अच्छी सफलताएँ, आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, आपकी नेगेटिविटी को, आपकी परेशानी को दूर करेंगे। जो स्वास्थ्य में अपडाउन चल रहा है, उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। विदाउट रीजन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेगी। आपके जॉब में, नौकरी में, नौकरी पैसे वाले जातकों को दुविधा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस में, नए स्टार्टअप में, नई शुरुआत में आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। जितना आप एफर्ट कर रहे हैं, उतना बेनिफिट ना मिलने से टेंशन परेशानी आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ आप जो पराक्रम कर रहे हैं, उसे लॉयल्टी ईमानदारी से करें। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि महाराज आपको जल्दी सफलता दिला देंगे। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ आपके इनकम और सोर्स के रास्ते खुलने वाले हैं। धीमे धीमे आपको अलग अलग स्रोतों से इनकम के रास्ते आपके बनेंगे, लेकिन आपको इसमें सबसे बड़ी सावधानी बरतनी होगी कि जो पेंडिंग कार्य हैं आपके, उन्हें पूर्ण करना होगा। जितना जल्दी आप अपने पेंडिंग कार्यों को पूर्ण कर देंगे, उतना ही जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। आलस नहीं करना है, बिल्कुल भी अपने कार्यों में आलस नहीं करना है। विद्यार्थियों को शिक्षा में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बड़े परिश्रम के बाद ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी। अगर आपने अपनी स्टडी में फोकस नहीं किया, स्टडी पर टाइम नहीं दिया, तो आपकी स्टडी में प्रॉब्लम आ सकती है, एक अच्छा कॉलेज मिलने में दिक्कत आ सकती है, एडमिशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या अच्छी रैंक बनाने में आपको दिक्कत आ सकती है। उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। लव लाइफ में आपके संबंधों में अपडाउन जो चल रहा था, धीमे धीमे सुधार आएगा, एक दूसरे के संबंध आपके ठीक हो जाएंगे। पार्टनरशिप शादीशुदा जो दर्शक हैं, उनके वैवाहिक जीवन अब आपका धीमे धीमे ठीक होने वाला है। वैवाहिक जीवन में जो खटास, जो परेशानी चल रही थी, वो ठीक हो जाएंगी। साथ में आप जिनकी शादियाँ नहीं हुई, उनके शादी के संयोग बनेंगे। अच्छे पार्टनर यानी कि अच्छी कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। इंगेजमेंट रिश्ता पक्का होने का संयोग बनेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए, आपके भूमिवान प्रॉपर्टी के कार्यों में अभी आपको बेनिफिट कम मिलेगा, इससे थोड़ी सी टेंशन बढ़ेगी, लेकिन हिम्मत रखें, पेशेंस के साथ चलते रहें। माह के अंत में आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। अकस्मात धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। साथ में आपकी जो फिजूल यात्रा है, जो आपकी विदाउट रीजन बिना काम की जो यात्रा है, उनसे बचने का प्रयास करना है। आप बैठे हुए हैं, आपके मित्र का कॉल आया और आपने उठ के चल देना है, तो वो आपके लिए घातक, नुकसानदायक रह सकता है, परेशानी कारक रह सकता है, उससे आपको बचने का प्रयास करना होगा। और आपको अपने इनकम को बढ़ाने के लिए आपके आइडिया चल रहे हैं, आपकी जो फीलिंग चल रही है, उनमें उन्नति हो रही है, इसलिए अपने कार्यों पर विशेष ध्यान दें। मान सम्मान आपका बढ़ रहा है, भाग्य आपका काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। साथ में आपको इस माह अपने परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। आप अपने परिवारजनों के साथ मेलजोल बढ़ा कर रहें, जिससे आपके परिवार वालों के सहयोग से भी आपको उन्नति और सफलता मिलने के चांस बनेंगे। इस माह आपको विशेष उपाय करना है, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना है, शनि देव को तेल से अभिषेक करना है, और अगर पॉसिबल है तो छायादान, एक पात्र में तेल लें, उसमें अपना नाखून देखें, चेहरा देखें, और शनि देव के मंदिर में चरणों में रख करके आना है। शनिदेव के आई कॉन्टेक्ट नहीं करना है, ओनली चरणों के दर्शन करने हैं। और जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आज डाउनलोड कीजिए और इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।